आज आप देखते होंगे शाहजहांपुर तो विकास की एक नई ऊंचाइयों को छुआ है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 21,000 से अधिक गरीबों को 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ यहां पे मिला है। 16,000 से अधिक पटरी व्यवसायियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ दिया गया है। 45,891 निराश्रित महिलाओं को, 19,635 दिव्यांगजनों को, 1,02,125 वृद्धजनों को 12,000 रूपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ भी हम लोग यहां पर दे रहे हैं, अकेले शाहजहांपुर में दे रहे हैं। और भाइयों बहनों, आयुष्मान भारत में 8,08,913 गोल्डन कार्ड अकेले शाहजहांपुर में दिए गए हैं, जिनमें 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर यहां पर दिया जा रहा है। नगर निगम शाहजहांपुर का सृजन हुआ है, बड़ा निगोही और कलान नगर पंचायतों का भी नया सृजन हुआ है, नगर पंचायत अलागंज का विस्तार किया गया है। और भाइयों बहनों, अब तो यहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 25 इलेक्ट्रिक बसेज भी यहां पर उपलब्ध कराई गई है। इलेक्ट्रिक बसेज आज शाहजहांपुर की शोभा बढ़ा रही है। भाइयों बहनों, यहां पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का भी निर्माण हुआ है। अमृत योजना में 350 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को यहां पर लागू किया गया है, जिसके माध्यम से हर घर नल की योजना, हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए, यानी हर घर तक नल का मतलब आरओ का पानी पाइप से आपके घर तक पहुंचाने, नल से आपके घर तक पहुंचाने का यह कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आईपीएमएस मल्टी लेवल पार्किंग और स्मार्ट रोड के लिए भी 51 करोड़ रुपए से अधिक की राशि शाहजहांपुर को उपलब्ध करवाई गई है। और भाइयों बहनों, यहां पर 6 नगर निकायों में अंत्येष्टि के स्थल के लिए, 5 नगर निकायों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के लिए धनराशि उपलब्ध करवाया गया है, और कान्हा उपवन के लिए भी उत्तर प्रदेश से यहां पर शासन ने धनराशि डबल इंजन की सरकार ने उपलब्ध करवाया है।